गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज क्वेश्चंस लेकर आए हूँ, हिंदी साहित्य से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इन 30 क्वेश्चन को रट लो, याद कर लो, कैसे भी करके भाई एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, टोटल 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट में करते जाएँ, ताकि मुझे भी देखना है कि आप कितने प्रश्न पहले से जानते थे, आपको भी मालूम हो जाएगा कि मुझे साहित्य पढ़ना चाहिए और या फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साहित्य के क्वेश्चन मैं कर लूंगा। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं इस टेस्ट को जो अब मैं अपलोड कर रहा हूं, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का टेस्ट, उस पर जरूर भाग लिया करें, उनको जरूर दिया करें और क्लास में बताया करें कितने प्रश्न सही गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। दोस्तों उम्मीद करते हैं 20 से ज्यादा प्रश्न आप सही करेंगे, 1000 लाइक का एम रखते हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर देना ताकि इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर दे दूं रिवीजन करने के लिए दोस्तों। साथ ही साथ आप मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे करवाऊँ, क्लास टेस्ट करवाऊँ, वो भी हमें कमेंट करके सजेस्ट कर दिया करो भाई, ताकि मैं भी अगले क्लास तैयार कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, और बाकी क्लासेस टाइम पर चलती हैं, जो लाइव चलती थी वो लाइव चलती हैं, 11 बजे चलती है, 7 बजे चलती है, सुबह 8 बजे चलती है, और बाकी ये जो टेस्ट सीरीज हैं वो सुबह 8 बजे आती है, एक टेस्ट सीरीज करंट अफेयर की आती है, उसके बाद में ये वाली 1 बजे आती है, और एक क्लास आएगी 6 बजे टेस्ट सीरीज, और बाकी के दो लाइव क्लासेस तो आपको पता है 11 बजे और 7 बजे चलती है। तो 5 क्लासेस चलती है, 2 लाइव क्लासेस चलती है, 3 टेस्ट सीरीज चलती हैं। इन सबको आप लोग दीजिए भाई, समय बहुत कम बचा है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड भाई जिसने भी कंप्लीट नहीं की तैयारी, जिसको भी क्रैश कोर्स परचेज करना है, अभी भी चाहता है कि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लूँ और हमारे अच्छे अंक आ जाएँ, तो भाई ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल है। 10-15 दिन जो भी बचा है आप इसको पढ़ लीजिए भाई, एक करीब करीब 150 अंक तो कहीं नहीं गए भाई अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाकर खरीद लीजिए, और एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, चाहे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं भाई कितने लोग को मालूम है जवाब। 1 का आंसर पहले मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट में लिखो 1.ABCD जो सही लगे उत्तर दें आप लोग। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, दे दिया आंसर, ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, सरहापा यहां पर नाम है इनका। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दें आप लोग। 2 नंबर का क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर, चलिए जवाब दीजिए, लिखिए कमेंट में। 2 का सी का उत्तर हो जाएगा वीर गाथा काल। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम सूफी प्रमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। अभी एक और वीडियो आएगा भाई रचना रचनाकार के, जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचना रचयिता हैं उनके नाम आपको याद करने हैं भाई, क्योंकि हिंदी में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए भाई कॉमेंट में, 3 का क्या हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद इनका नाम है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है इन चारों में से, चंद्रप्रदाई हो गया, नामदेव है, जागनिक है और मधुकर है, तो भाई इन चारों में से कौन वीर गाथा काल के कवि नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भाई नामदेव, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर नामदेव है, वीर गाथा काल के कवि नहीं है। अगला है 5 नंबर, देखिए वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं भाई, कौन माना जाता है जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। सुबह वाली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज जिसने नहीं दिया भाई, अगर एक भी क्लास आप छोड़ रहे हो, समझ लो एक दो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो परीक्षा में, तो इसलिए भाई करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल मत मिस करो। 8 बजे जो अपलोड हुई है उसको देखो जाकर, 40 क्वेश्चन करवाएं, टेस्ट दो, देखो कितना सही जा रहा है भाई। करंट अफेयर की क्लास जरूर देख लेना जिसने नहीं देखा है जाकर, ठीक है चैनल पर। 5 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा भाई चंद्रप्रदाई, बिल्कुल सही जवाब है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं भाई चंद्रप्रदाई। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, उपदेश रासायन रास के रचयिता कौन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। छह का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा भाई जिनदत्त शूरी इनका नाम है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। सेवन का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा भाई गोरखनाथ। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं यहां पर बताया मैंने गोरखनाथ। अगला देखो 8 नंबर, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, 8 नंबर का जवाब दीजिए भाई फटाफट। सभी लोग लाइक कर दो क्लास को भाई, अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, टेस्ट मिल रहा है सारे टॉपिक के, तो भाई ये बहुत हेल्पफुल है आपको, टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी आप सॉल्व कर रहे हैं। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बी का उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा इनका नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो।
नौ नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, अंधा युग जो है भाई नहीं है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सारे भाई किसके हैं बताओ भाई, 10 का उत्तर दो। सुमित्रानंद पंत के हैं, आज्ञे के हैं, केदारनाथ सिंह के हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं? 10 का जवाब दीजिए आप लोग। दस का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं एक उत्तर हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत आपका सही है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, दोहा कोष के रचयिता कौन है भाई बताओ, दोहा कोष के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, सरहपा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? 12 नंबर का जवाब दीजिए, देखते हैं भाई कितने लोगों को साहित्य में प्रश्न आते हैं। 12 का जवाब दीजिए भाई, कमेंट करते रहिए एंड लाइक कर दो इसने भी नहीं किया है। बारह का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भाई, भूषण बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? 13 का जवाब दो भाई, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, उत्तर दें आप लोग। तेरह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी का उत्तर हो जाएगा भाई, भक्ति काल। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दें आप लोग। चौदह का जवाब क्या हो जाएगा, 14 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, 4। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ, यही भाई साहित्य के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे, प्रयोगवाद का कब से आरंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देखिए क्या हो जाएगा, 15 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, 1943। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, राम लला नहछू के रचनाकार कौन है? 16 का जवाब दीजिए। सोलह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भाई बताते चले आप लोग, 16 का सी का उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास, बिल्कुल सही है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से छायावाद रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार कौन है इसमें बताइए, 17 का उत्तर। सत्रह का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बीच बीच से मैंने निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो नंबरिंग थोड़ा अपसेट हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है आपका। देखो भाई 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दो, यूपी टेट में भी पूछा गया है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 से सारे एक्सपेक्टेड है भाई, पूछे जाएंगे ये प्रश्न। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, टोटल मैंने काउंट किया है, टोटल मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? 30 में बताना, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबरिंग अपसेट हो गया, तो 30 क्वेश्चन में कितने सही गए ये बता देना कमेंट में, कि जो गलत जा रहे हैं वो लिखते रहो कि कितने गलत गए, माइनस कर देना 30 में। 30 का सी का उत्तर हो जाएगा, परमाल रासो। अगला देखो भाई 31 नंबर, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ये काफी बार पूछा जाता है प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? 31 का जवाब दें आप लोग। थर्टी वन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी का राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ब्रज, सी बिल्कुल सही जवाब, ब्रज। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए। बत्तीस नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बी का राइट उत्तर हो जाएगा भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अगला देखो भाई 33 नंबर, भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार कौन है भाई बताओ, 33 का जवाब। थर्टी थ्री का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा, नाभादाश। अगला देखो भाई 34 नंबर, द्वैतवाद के प्रणेता हैं, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है भाई, 34 का उत्तर दीजिए। 34 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, कमेंट कर रहे हो ना आप लोग, 34 का एक उत्तर हो जाएगा, माधवाचार्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर दीजिए, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा भाई, नूर मोहम्मद। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से किस कवि से ने सतसई की रचना नहीं की है? 36 का जवाब दीजिए आप लोग।
36 का राइट आंसर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, बेनी प्रवीण। अगला देखो भाई 37 नंबर है, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है, भ्रमरदूत के रचनाकार बताओ भाई 37 का उत्तर दें आप लोग। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है बताइए भाई 40 का उत्तर, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, अक्सर पूछा जाने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ भाई सारे। 40 का आंसर दीजिए, 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 का एक उत्तर हो जाएगा आदिकाल। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, 41 का उत्तर दो, कामायनी महाकाव्य के रचयिता पूछा गया, 41 का जवाब दें आप लोग। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, सूरदास के गुरु कौन थे बताओ भाई 42 का उत्तर दो, सूरदास के गुरु कौन थे, बयालीस का सी का उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार कौन है भाई बताओ 43 का उत्तर दो। तो इस तरीके से टोटल मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं भाई, ठीक है, तो कितने सही गए नहीं कितने गलत गए माइनस करके बता दो, जो भी 20-25 सही गए वो आप लोग कमेंट करके बताइए और इस क्लास को लाइक कीजिए। अगली कौन सी टॉपिक क्लास होनी चाहिए हमें सजेस्ट करें एंड शेयर करें इस क्लास को, ठीक है बिल्कुल। इससे पहले 11 बजे वाली लाइव क्लास जीके किसने नहीं लिया भाई देख लेना, करंट अफेयर की भी देख लीजिएगा, इसके बाद सिर्फ फिर आपका 6 बजे टेस्ट होगा एक, ठीक है, हिंदी का नहीं जीके का करेंगे, ठीक है जीके कोई टॉपिक करेंगे और शाम 7 बजे आपका हिंदी लाइव होगा। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए सही है। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए, उम्मीद करते हैं ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें क्लास।